अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदी नाजन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आपको खैरियत होगी। मेरी दुआएं आपके साथ है। आज की इस वीडियो को आपने अंत तक देखना सुनना है, क्योंकि मैं खांसी का कामयाब नुस्खा लेकर आई हूं, जिसमें आपने साबुत हल्दी का पाउडर बना लेना है और आपने क्या करना है, दालचीनी लेनी है और आपने इसके बाद सौंफ का इस्तेमाल करना है और लौंग का इस्तेमाल करना है और इसके बाद आपने 2 सबज़ इलायची वो भी इसमें इस्तेमाल करनी है। 1 गिलास दूध लेना है आपने, आधी चम्मच आपने दालचीनी का पाउडर डाल देना है और आधी चम्मच आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है जो आपके सामने मौजूद है, आधी चम्मच आपने सौंफ का इस्तेमाल करना है और 2 सबज़ इलायचियाँ आपने छिलका हटाकर उसके दाने डाल देने हैं और 2 अदद आपने लौंग का इस्तेमाल करना है जो आपके सामने मौजूद है। और ये ऊपर से आप देख रहे हैं इसका फूल है और इसके ऊपर काली मिर्ची लगी हुई है, ये आपने डाल देनी है। साथ ही इसको आपने ज़ाया नहीं करना, ठीक है जी, ये थोड़ा सा आपने ध्यान करना है। और इसके बाद आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी हमें दूध नुकसान देता है खांसी में, ऐसी कोई बात नहीं। जब ये दूध के अंदर ये चीज़ें पकेंगी तो ये आपको बहुत ज़्यादा दूध फ़ायदा देगा। आपने इतना पकाना है कि दूध आपका आधा रह जाए और इसमें शहद और गुड़ मिला सकते हैं। अगर आपके पास शहद है तो शहद डाल दें और अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ डाल दें। 1 चुटकी इसमें ज़ाफ़रान वो मिलाएं, 1 महीना आप खाएं पिए ये दूध, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप यकीन जाने आपको इतना फ़ायदा होगा कि खांसी का खात्मा हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपको बेहतरीन आप रिजल्ट पाएंगे। ये मेरा कामयाब नुस्खा इस्तेमाल करके देखिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के मुफीद और कामयाब नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। आज की खूबसूरत बात, खुदा कहता है किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ़ की फ़िक्र मत करना। दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।